रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कैराना के परिणाम के बाद भाजपा के इस गढ़ में भी मंडराने लगा है यह खतरा मेरठ। कैराना में भाजपा की हार आर महागठबंधन की जीत से अब भाजपा के गढ़ की उन सीटों पर भी तकरीबन वही स्थिति दिख रही है जो भाजपा को चोट पहुंचा सकती है। कांग्रेस, रालोद, सपा आर बसपा के महागठबंधन के बाद भाजपा को कैराना लोकसभा सीट पर जिस तरह करारी हार झेलनी पड़ी है, उसी तरह मेरठ ठाकुर लोकसभा सीट पर भी वही स्थिति दिखाई दे रही है। 7 विधानसभा सीटों वाले मेरठ जनपद में इस समय 6 विधायक भाजपा के हैं। भाजपा सांसद भी यहां मेरठ ठाकुर लोकसभा सीट पर हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरठ ठाकुर लोकसभा भाजपा का किस तरह गढ़ रहा है। भाजपा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल लगातार 2 बार से सांसद भी बन चुके हैं, इसलिए माना जाता है भाजपा का गढ़ 2009-2014 में भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल ने मेरठ ठाकुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। इसके अंतर्गत मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैन, किटौरा और हापुड़ विधानसभा की सीटें हैं। यहां भाजपा उम्मीदवार को 2 बार जीतना साबित करता है कि भाजपा का यह किस कदर मजबूत किला बना हुआ है। लेकिन कैराना लोकसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की भाजपा पर जीत से यहां भी महागठबंधन का खतरा मंडराने लगा है। 2009 में भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र अग्रवाल ने 47,146 वोट से जीत हासिल की थी। यदि सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन देखें तो इन्हें मिले वोट कहीं ज्यादा थे। इसी तरह 2014 में भाजपा उम्मीदवार को 5,32,981 वोट मिले थे, आयर जीत हासिल की थी। इसमें बसपा उम्मीदवार को 3,655, सपा उम्मीदवार को 2,11,759 और कांग्रेस उम्मीदवार को 42,911 वोट मिले थे। यदि इनका जोड़ देखा जाए तो यह 5,55,325 वोट है। महागठबंधन आयर भाजपा उम्मीदवार का 22,344 वोट का अंतर महागठबंधन के पक्ष में जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में अगर यही समीकरण रहे तो कैराना जैसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं।